मंदिर जाते हुए हम संडे को। बहुत पुरानी गाड़ी है ना। चलिए अब हम लोग मंदिर आ गए हैं। टिफिन लेके आया हूँ, पेंसिल भी लेके यहाँ पर आया हूँ और ब्रश लेके आया हूँ ताकि मैं आज कुछ बना दूँ। बाप रे, यहाँ रफ्तार से ट्रेन जाता है, डर लेता ट्रेन से। यहाँ पर भाई एकदम चमचमा रहा है मंदिर पूरा, लगता है पेंट हुआ है नया नया। पहले पैर हाथ धोएंगे उसके बाद। अब चलो चलते हैं अंदर, बैग यार देते हैं। दर्शन करेंगे थोड़ा, पापा को हम है, चल रहा है टेस्ट मैच, पूजा के बाद स्कोर देख रहे हैं क्या स्कोर हुआ है। श्री हनुमान मंदिर, जय हनुमते नमः। ओके, यहाँ पे एकदम शांति है। ये रहे हमारे श्री बजरंग बली जी, कितने अद्भुत लग रहे हैं एकदम। चरणों की थोड़ा मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता है। ये रहा इंक और ये सो बेसिकली मैं जा रहा वॉल पेंटिंग करने के लिए। यहाँ बनाना है मुझे, मैं इतनी ऊंचाई पे खड़ा हूँ फिलहाल। शिवरात्रि आने वाला है तो पंडित जी बोले यहाँ बनाने के लिए, तो चलो बनाते हैं। और एक घंटे बाद दिखाता हूँ मैंने कैसे स्केच किया, उसके बाद में कलर करूँगा मैं। सो लेट्स गो फॉर इट। अभी इतना बना हुआ है, अभी कुल मिला के 13 मिनट हुआ है अभी, और बनाना है मुझे। तो अभी मैं ब्रेक लिया हूँ और लगभग आधे घंटे से बना रहा था मैं। पेंसिल से सारा स्केचिंग कर दिया मैंने, अब मुझे लगता है अगली वीक आऊँगा तो मैं उसको प्रॉपरली कंप्लीट करूँगा, क्योंकि अब मुझे थोड़ा थोड़ा भूख लग रहा है। तो अब मैं घर निकलूँगा खाना खाने के लिए। यहाँ कितना शांति लग रहा है आज बहुत दिन बाद, मतलब ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं कहीं गांव में आया हूँ। काफ़ी दिन बाद ये मतलब शांति मिली है, वरना तो भीड़ भाड़ आवाज़ यही सब मुंबई में देखा मैंने। एक बात तो है कि मंदिर पे जब भी आता हूँ ना, बहुत एक पीस शांति बहुत यहाँ मिलती है मुझे। दिन में हम लोग घंटे के बाद ब्रेक लेते हैं, हफ्ते में आपको एक दिन ब्रेक लेते हो आप, महीने में एटलीस्ट आपको 3-4 दिन ब्रेक लेना चाहिए। एक महीने बाद आप 3-4 दिन के लिए कहीं घूमने निकल जाओ या मूवी देखने चले जाओ एक महीने बाद, और साल भर में आपको अगर आप 1 साल बाद कोई कहीं पे वर्क कर रहे हो कहीं पर भी आप, तो एटलीस्ट 10 दिन का तो आप छुट्टी लेकर कहीं घूमने जरूर जाओ, जरूर कहीं ट्रैवल करने निकलो आप।
पैसे इकट्ठे करो और कहीं ना कहीं जैसे जो आपको फेवरेट प्लेस हो, किसी का होता है कि मैं घूमने चले जाऊँ, किसी को शिलोंग, किसी को मुझे नाम नहीं आता मनाली, मनाली किसी को जाना होता है, या कोई भी आपके फेवरेट प्लेस राजस्थान, जहाँ भी आपको ठीक लगे, बनारस, जहाँ भी आपको अच्छा लगे, मुंबई भी जा सकते हो आप, तो एटलीस्ट साल में आपको 10 से 15 दिन का ब्रेक लेना चाहिए, छुट्टी लेना चाहिए, खुद के लिए घूमना चाहिए। और फिर ऐसे आप जी पाओगे जीवन, वरना अगर आप ब्रेक नहीं लेते हो आप, और हर 5 साल पे मिलता है 1 महीने का वेकेशन लेना चाहिए, हर 5-5 साल पे आपको 1 महीने के निकलने जाओ, फिलहाल 1 महीने बाद ही निकलो तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो काम से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा, और फिर ऐसे पर्सन बहुत डिप्रेशन हो जाता है जब वो ब्रेक नहीं लेते हैं। तो ब्रेक हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। ये बात मुझे सर से सीखने को मिला, जो मेरे सर थे, उन्होंने बताया ब्रेक का वैल्यू क्या होता है। अगर आप ब्रेक नहीं लोगे तो बार बार काम करेंगे, बता फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप। और कुछ लोग होते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं ब्रेक न लेने की वजह से, क्योंकि आपको बॉडी को या माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, और वो रिलैक्स तभी होते हैं जब उनके मन पसंद का कोई चीज़ होता है वो आप करते हो। डन इस व्लॉग में आपको वीडियो में पूरा दिखाऊंगा कि कैसा बना है। तो अभी के लिए बाय, चलता हूँ घर। तो हम घर चल रहे हैं, घर जाने की अलग ही खुशी होती है। चलो ट्रेन साफ, इंडिया साफ, चलते हैं हम। इतना पास से ट्रेन जा रही है। चलो घर।